नमस्कार दोस्तों, स्वागत है द हंगामा फिल्म्स में। मैं हूं पवन एमबी, लेके पेश हूं एक और वीडियो। ठीक है, वीडियो के देखो हमेशा थंबनेल से ही आपको पता चल जाता है कि मेरे को कितना मार्जिन होता है, कितना प्रॉफिट होता है जो भी मैं एक सिंगल ट्रेड लेता हूं। ट्रेड लेते समय और ट्रेड लेने से पहले हमेशा आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि आज जब आप मार्केट में ट्रेड करने के लिए बैठ रहे हैं तो आज पूरे दिन में आप कितनी ट्रेड करने वाले हैं, कितनी क्या ट्रेड करनी होती है। बेसिकली समझिए, आपको दिन में डेली 2 से 3 ही ट्रेड करनी है। अगर आप शुरुआत की 2 ट्रेड प्रॉफिट में निकालते हैं तो तीसरी ट्रेड के लिए आप सोच सकते हैं, लेकिन अगर आपको शुरुआत में ही 2 ट्रेड लॉस होती है तो उस दिन आपको उसके बाद आपको ट्रेड करनी ही नहीं। देखो, कितना भी आप मार्केट का एक्सपीरियंस ले लें थ्योरिकली, जब तक आप प्रैक्टिकली किसी चीज को करेंगे नहीं आपको उसके बारे में जानकारी नहीं मिलेगी। प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस के लिए आपको क्या है, ओवर ट्रेडिंग से बचना है। देखो, अगर आपको ट्रेडिंग के अंदर प्रॉफिट कमाना है तो उसका एक डिसिप्लिन आपको बिल्कुल फॉलो करना है, वो है ओवर ट्रेडिंग को नहीं करना। सिर्फ 2 से 3 ट्रेड ही करनी है। बहुत सारे लोग होते हैं यार जो पूरे दिन के अंदर 20-20, 25-25, 50-50, 100-100 ट्रेड करते हैं। जो लोग 100-100 ट्रेड दिन में कर रहे हैं यार, वो किस तरह से प्रॉफिट कमाएंगे यार, मैं तो समझ ही नहीं पाता है। क्योंकि जब तक क्यों अगर 50-100 ट्रेड आप क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपको कोई परफेक्ट सेटअप ही नहीं पता है। आपको पता ही नहीं है कि आपको कब ट्रेड लेना है, कब नहीं ट्रेड लेना। आपको बस वो जिगजैग नजर आता है, ग्रीन कैंडल बन रही है तो आपको लग रहा है ऊपर जा रही है तुरंत ले लो कॉल, और नीचे जा रही है रेड कैंडल बननी नीचे जा रही है तो तुरंत पुट ले लो। ऐसा नहीं होता। ट्रेड का एक सेटअप होता है हमेशा हर एक बंदे का। जैसे मैं वीडियोस के अंदर बताता हूं आपको, हमेशा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे या मार्केट के जो मूवमेंट्स होते हैं, कुछ एक ऐसे मूवमेंट्स होते हैं जो आपको ट्रेड बताते हैं जिससे आपको ट्रेड लेने से प्रॉफिट होता है। तो मार्केट में ऐसे 2 से 4 मूवमेंट ही आते हैं पूरे दिन के अंदर जो एक आपको बेटर ट्रेड देते हैं, जिसमें आप एक अच्छा रेवेन्यू अर्न कर सकते हैं, रेवेन्यू इन द सेंस प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। तो आज के दिन भी ऐसा हुआ, मैं एक ट्रेड का वेट कर रहा था और मुझे एक ट्रेड मिली। मैंने बैंक निफ्टी के अंदर 45,700 की कॉल ली। ठीक है, उस कॉल का जो मुझे प्रीमियम मिला था वो 58.80 रुपए का मिला था। मैंने 6 लॉट लिए 90 क्वांटिटी 5,292 रुपए से। ठीक है, मार्केट के अंदर अच्छा बढ़ोतरी दिख रही थी और बढ़ोतरी के साथ जैसे मुझे लगा कि इसको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, तो मैंने उस प्रीमियम को 80.15 रुपए पे बुक किया, यानी कि 7,213 रुपए पे। तो मेरा प्रॉफिट क्या हुआ, 1,921 रुपए का। यानी कैपिटल के हिसाब से देखेंगे तो मेरे को 36% का मार्जिन हुआ। यानी कि सपोज करो अगर आप 1,00,000 से ट्रेड करेंगे कभी भी, आज करें कल करें या करते हैं, तो आपको 36,000 रुपए तक का प्रॉफिट होता। ठीक है, तो ट्रेड के अंदर ऐसा है, देखो 2-5% 7% का ट्रेड के अंदर रिटर्न निकालना ना, आरओआई निकालना, इंटरेस्ट निकालना तो बहुत इजी है। अगर एक बड़ा मार्जिन कमाना है तो आपको थोड़ा सा पेशेंसली आपको ट्रेड को होल्ड करना होता है और उसके बाद आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अच्छा, मैं ना आज आपके लिए एक मैंने ट्रेड की थी, वो मैं आपको स्क्रीनशॉट इसलिए दिखा रहा क्योंकि उस ट्रेड के अंदर एक बहुत अच्छा मार्जिन मिला था मुझे। मतलब मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि मैंने आपको हमेशा वीडियो के अंदर बताया था कि मैं आपको ऐसी ट्रेड करके दिखाऊंगा जिसमें एक दिन के अंदर पैसा दुगने से भी ज्यादा हो जाता है। तो आज मैं एक ऐसी ट्रेड कर रहा था और मैंने उसको होल्ड कर रहा था जिसके अंदर मुझे लगभग 2.5 गुना प्रॉफिट हो रहा था, लेकिन वो मैंने ट्रेड नहीं करी। मेरे को लगा कि उसको 3 गुना करके ही आपको प्रॉफिट बुक करने के बाद ही आपको दिखाऊंगा, और उसके बाद मार्केट ने रिजेक्शन मारा और वो मेरा सारा जो प्रॉफिट जो दिख रहा था 2.5 गुना प्रॉफिट, मतलब मेरी एक ट्रेड में जो अगर सपोज करो मैंने ज्यादा नहीं लगाए थे, वो मेरे 566 रुपए का एक ही लॉट था, वो सिर्फ सिंगल एक लॉट था जिसमें मुझे 566+1268 रुपए तक का प्रॉफिट दिखा के गया था ना। टोटल ओवरऑल कैपिटल को मल्टीप्लाई करके देखता तो 1700 रुपए बन गए थे वो, लेकिन मैं कहा नहीं इसको थोड़ा सा और बढ़ने देते हैं और लगभग इसको पूरा दुगने से ज्यादा और जाना चाहिए। और रिजेक्शन आने के बाद फिर वो सारा मेरा प्रॉफिट ना फिर वो कम होता चला गया और वो मेरे को फिर मिनिमम एक प्रॉफिट के अंदर मुझे काटना पड़ा उसको, और वो ट्रेड फिर मेरे को दिखाने लायक नहीं, इसलिए मैं वो दिखा नहीं रहा हूँ। मैं आपको वही वाली ट्रेड दिखा रहा हूँ जिसमें मुझे मार्जिन अच्छा मिला है ना, तो ये वाली मैं आपको 36% का जिसके अंदर मुझे प्रॉफिट मिला ये ट्रेड दिखा रहा हूँ। और अगर आप बिगिनर हैं तो आप मेरी वीडियोस देख रहे हैं और अभी तक आपके पास ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है, आप डीमैट अकाउंट नहीं है आपके पास और आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन के अंदर पेटीएम मनी का लिंक है, उस पर जाएं, क्लिक करें और अपना डीमैट अकाउंट खुलवाएं। 1 से 2 दिन के अंदर प्रोसेस होता है, एक्टिव हो जाएगा और आप अपना डीमैट अकाउंट में पैसा ऐड करके ट्रेडिंग करना शुरू कर सकते हैं। शुरू के 6 महीने आपको सिंगल एक लॉट से ही ट्रेड करना है जिससे आपको सिर्फ एक्सपीरियंस लेना। आप ऐसा समझ लो 6 महीने का आपका एक ट्रेडिंग का कोर्स है जिसको आप कर रहे हैं और जिसमें आपको शुरू के 6 महीने सिर्फ सिंगल एक लॉट से जो 2,500-3,000-4,000 तक का मिलेगा, मतलब 5,000 रुपए ऐड करके आपको ट्रेडिंग करना शुरू करना है। और प्रॉफिट और लॉस की जो जर्नी आपकी बन रही है शुरुआत में, देखो प्रॉफिट लॉस दोनों बन गए, आपको उसको एक्सेप्ट करना है और प्रैक्टिस करते रहना है। अगर 6 महीने आपने अच्छे से प्रैक्टिस की तो 6 महीने के बाद आपकी प्रॉफिटेबल जर्नी बन जाएगी, क्योंकि उन 6 महीनों के अंदर आप एक अपना परफेक्ट सेटअप बना चुके होंगे जिसके लिए मिनिमम 6 महीने आपको चाहिए ही चाहिए। तो ये एक्सपीरियंस लेने के लिए आपके पास डीमैट अकाउंट होना बहुत जरूरी, तो अपना डीमैट अकाउंट खुलाएं और ट्रेडिंग करना शुरू करें। और अब कल मिलेंगे अब एक और नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद।